हेलो गाइस, वेलकम टू आरटीएम डिजाइन स्टूडियो। मैं हूं अक्षय और आज हम एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही सिंपल प्रिंट मेकिंग टेक्निक का यूज करके कुछ तो भी नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन इंग्रेडिएंट है एल्युमिनियम फॉइल और थम्सअप। तो देखिए क्या होता है आगे, चलिए शुरू करते हैं। तो जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि मेरे पास एक एक्रेलिक शीट था और उस एक्रेलिक शीट के ऊपर मैंने यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल को लगा दिया, और एल्युमिनियम फॉइल लगाने से पहले मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा स्पंज से पानी लगाया था। वो पानी इसलिए लगा था ताकि अपनी जो सिल्वर फॉइल है, एल्युमिनियम फॉइल है, वो आराम से उसके ऊपर फ्लैट लग जाए और कोई भी एयर बबल ना रहे। तो इस तरह से आप लोगों के पास अगर एक्रेलिक शीट ना होता, कोई भी कार्डबोर्ड, हार्ड बोर्ड या फिर आपका ड्रॉइंग बोर्ड, उसके साथ में आपका जो एग्जाम पैड रहता है, वो एग्जाम पैड भी आप लोग यूज कर सकते हो ताकि सरफेस जो रहे वो थोड़ा सा हार्ड रहे। तो इसके बाद की प्रोसेस है इमेज मेकिंग या फिर ड्राइंग। तो ये सरफेस पे ड्राइंग करने के लिए हम लोगों को लगने वाला है ग्लास मार्कर पेंसिल या फिर क्रेयॉन्स। अगर आप लोगों के पास ग्लास मार्कर पेंसिल अवेलेबल ना हो तो आप लोग क्रेयॉन्स भी यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑयल पेस्टल्स। तो बेसिकली ऐसा है कि जो भी पेंसिल या फिर ऐसा मटेरियल जिसमें ऑयल बेस्ड हो, वो इस सरफेस पे ड्राइंग करने के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम लोग यूज़ करने वाला है ग्लास मार्कर पेंसिल, और आप कोई भी कलर के यूज़ कर सकते हो। आपके पास अगर ब्लैक हो, ब्राउन हो, वाइट हो, जो भी हो कलर, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए ड्राइंग करना स्टार्ट करते हैं।
तो अभी तक में जितना आपने देखा कि जो भी मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, जो भी सरफेस में यहाँ पर डार्क कर रहा हूँ, वो प्रिंट में आने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को वही चीज़ पेंसिल से ड्रॉ करनी है जो आपको प्रिंट में चाहिए, या फिर आपके ड्राइंग में ऐसी कुछ सॉलिड चीज़ें आप लोगों को सिर्फ मार्किंग करनी है, ठीक है। उससे क्या होगा कि जब भी हम लोग इसके साथ रिएक्शन करेंगे कोक के साथ, तो जहाँ पर भी आप लोगों ने ड्राइंग किया है वो सरफेस प्रिवेंटेड रहेगा, मतलब वहाँ पे कुछ भी रिएक्शन नहीं होगी, जो ओपन सरफेस है वहाँ पर रिएक्शन होगी। तो जब भी हम लोग प्रिंट लेने जाएंगे तो जो हमने ड्राइंग किया है वही सिर्फ प्रिंट में दिखेगा। तो अभी हमारा ड्राइंग रेडी है, तो आप लोगों को एक प्रिकॉशन लेना है ड्राइंग करते वक्त, वो ये कि अपना जो ये एल्युमिनियम फॉइल है बहुत सेंसिटिव है, तो अगर आप लोगों ने बेयर हैंड से अगर इसको यूज़ किया या फिर आपका पाम या फिर आपकी उंगली इसके ऊपर टच हुई तो उसका भी इंप्रेशन आ सकता है। तो आप लोगों को प्रिकॉशन ये लेना है कि एक तो आप कॉटन ग्लव्स यूज़ करो जिस तरह मैंने पहने, या फिर आप कोई भी पेपर लेना या फिर टिश्यू लेना, जब भी आप ड्राइंग करोगे तो ये सरफेस पर रख के उसके ऊपर आपका पाम रख के ड्राइंग करना, ताकि उससे क्या होगा कि जो भी आपका ग्रीसी अपने हाथ रहते हैं फिर ऑयली हाथ रहते हैं उसका इंप्रेशन उस प्लेट पे नहीं आएगा। तो अभी हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है थम्स अप से अपने प्लेट को रिंस करना है सबसे पहले, उसके बाद जो भी अपना ड्राइंग है उसको हम लोग क्लीन करेंगे वेजिटेबल ऑयल से। तो आपके सबके घर में वेजिटेबल ऑयल तो रहेगा। कोक ये काम करेगा कि जो भी ओपन सरफेस है प्लेट के ऊपर उसको वो हल्का थोड़ा सा एच करेगा, उसके साथ रिएक्शन करेगा एल्यूमिनियम फॉइल के साथ, ठीक है। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, थम्स अप का काम हो जाएगा, उसके बाद जो भी इमेज हम लोगों ने बनाई हुई है ग्लास मार्कर से वो हम लोगों को क्लीन करनी है वेजिटेबल ऑयल से। चलो शुरू करते हैं। तो अभी हमारा इमेज बन चुका है, हम लोगों ने थम्स अप और ऑयल का यूज़ करके हमारा इमेज जो था उसको सबसे पहले एज किया, उसके बाद ऑयल से उसको क्लीन किया। एज होने के बाद आप लोगों को दिखेगा कि वहाँ पर हल्के से बबल्स जो आ रहे हैं जो कि रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल के साथ। और जब आप लोग ऑयल से क्लीन करके उसके बाद आपको हल्का सा आपका इमेज जो भी आपने ड्रॉ किया हुआ है उसका थोड़ा बहुत आपको इंप्रेशन वहाँ पर दिखाई देगा कि क्या आप लोगों ने बनाया था क्लीन करने के बाद भी। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो एच हुआ है प्लेट वो बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग जाएंगे प्रिंटिंग के लिए, तो उसके लिए आप लोगों को लगेगा एक रोलर और प्रिंटिंग इंक। और प्रिंट करते टाइम आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो सरफेस है ये आप लोगों को थोड़ा सा वेट रखना है, थोड़ा सा गीला रखना है। तो स्पंज के साथ आप लोग इसके ऊपर बार बार थोड़ा बहुत पानी डालते रहेंगे और रोलर घुमाते रहेंगे। उससे क्या होगा, जो रिमेनिंग एरिया है जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर रोलर से इंक नहीं लगेगी, जहाँ पर आप लोगों ने ड्राइंग किया था वहीं पर सिर्फ इंक पकड़ के रहेगी।
सो गाइज, इस तरह से अपना प्रिंटिंग का प्रोसेस हुआ, ठीक है? था ना बहुत इंटरेस्टिंग? जी हाँ, ज़रूर था। तो अभी जो अपने पास इमेज बनी है वो बहुत ज़्यादा हद तक जिस तरह से हम लोगों ने बनाई थी वैसा ही है, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत सारे कुछ फॉल्स जो दिख रहे हैं आप लोगों को ब्लैक, वो हल्के बहुत कहीं ना कहीं मेरा हाथ लगा हुआ है या फिर कुछ टच हुआ होगा तो उस वजह से आएंगे। लेकिन जैसे जैसे सेकंड या थर्ड प्रिंट तक जाते हैं तो वो क्या होता है, जिस तरह से आप पानी प्लेट पर डालोगे और रोलर घुमाओगे तो अपने आप वो रोलर क्या करता है, जो एक्स्ट्रा इंक लगी है उसको लिफ्ट करते जाता है, ठीक है? तो फर्स्ट प्रिंट था इसलिए कहीं कहीं पर इंक भी थोड़ा कम लगा हुआ है, सेकंड और थर्ड प्रिंट में ये इमेज और क्लियर होगा और जो बैकग्राउंड दिख रहा है थोड़ा सा ब्लैकिश वो और थोड़ा वाइट की तरफ जाके अपना जो इमेज है और ज़्यादा क्लियर होगा। कुछ और इमेजेस है जो मैंने बनाई हुई है वो भी मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो के एंड में शेयर करूँगा। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये प्रोसेस कैसा लगा, और एक चीज़ ना भूलना कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़, थैंक यू। और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और बहुत सारे नए कुछ एक्सपेरिमेंट प्रिंट मेकिंग के देखने के लिए ज़रूर बने रहेगा हमारे साथ। थैंक यू।